हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आप कितने एम्पलीफायर्स को डेजी चेन कर सकते हैं। मीन्स एक साथ अगर आप एक ही सिग्नल को काफी सारे एम्पलीफायर्स को देना चाहते हैं तो ये जो क्वांटिटी है आप कितने एम्पलीफायर तक डेजी चेन कर सकते हैं उनके साथ उनको वो सप्लाई दे सकते हैं। ये जो सवाल है ये काफी हमारे दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में पूछा है, तो मुझे लगा इसके ऊपर मुझे एक प्रॉपर वीडियो बनाना जरूरी है। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट हो, इस वीडियो को जरूर एक लाइक शेयर और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे कि मैं देख रहा था हमारे जो चैनल के जो व्यूअर्स है वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उनमें से सिर्फ 20% लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है और भी 80% लोग हैं जो हमें देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसकी वजह से आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना पड़ेगा और आपको इस तरह की बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप आमतौर से देखें आपका जो एम्पलीफायर है उसमें जब आप एक कनेक्शन दे रहे हैं और एक एम्पलीफायर से दूसरे एम्पलीफायर को डेजी चेन हो रहा है और दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से आप बहुत सारे एम्पलीफायर को डेजी चेन करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी एम्पलीफायर आपका सोर्स नहीं है। मीन्स ये जो सिग्नल आप उसके अंदर डाल रहे हैं वो कोई भी एम्पलीफायर से प्रोड्यूस किया हुआ नहीं है, वो कोई अलग इक्विपमेंट से आया हुआ है जिसको आप एम्पलीफायर्स को सप्लाई दे रहे हैं। और एम्पलीफायर का जो इनपुट और जो डायरेक्ट आउटपुट होता है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्टेड होता है पैरेलली। तो जो सिग्नल आप एम्पलीफायर में डाल रहे हैं वही सिग्नल वो डायरेक्टली आउटपुट हो जाता है दूसरे एम्पलीफायर के लिए। अगर आपको चेनिंग करना है तो आप वहां से आउटपुट लेके दूसरे एम्पलीफायर के साथ फिर चेन कर सकते हैं। सो जो भी इनपुट आपने एक एम्पलीफायर में डाला है वो डायरेक्ट आउटपुट में डायरेक्टली निकल रहा है, ना ही वहां से कुछ प्रोसेस होके बाहर आ रहा है, वो डायरेक्टली ही वहीं से निकल रहा है। और इस तरह से आप दूसरे एम्पलीफायर को दे सकते हैं, दूसरे से तीसरे, इस तरह से ये चलता है। अगर उस जगह पे आप बैलेंस केबल यूज़ कर रहे हैं तो आप चाहे जितना भी एम्पलीफायर उसके साथ ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं। लगभग 15, 20, 30 इस तरह से भी आप एम्पलीफायर्स को भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो सोर्स है, सोचिए आपने डायरेक्टली मिक्सर से लिया हुआ है या तो क्रॉसओवर से लिया हुआ है, अगर आपका सोर्स का आउटपुट इम्पीडेंस कम है देन आपको वहाँ पे कम डेजी चेन करना होगा, नहीं तो आपकी क्वालिटी बिल्कुल ड्रॉप होगी और आपका सिग्नल का स्ट्रेंथ जो है वो भी वीक पड़ता जाएगा। सो वहाँ पे आपको देख के चलना होगा आपका जो सोर्स है, कोई भी मिक्सर है या तो क्रॉसओवर है, उसका आउटपुट इम्पीडेंस कितना है, क्योंकि अलग अलग इक्विपमेंट का आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो अलग अलग होता है। तो उस केस में हमें जितना आउटपुट इम्पीडेंस ज़्यादा मिलता है उतना हम आगे डेजी चेन कर सकते हैं। अगर हमारा आउटपुट इम्पीडेंस कम मिल रहा है उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट से देन हमें कम इक्विपमेंट को डेजी चेन करने की परमिशन है, नहीं तो उससे हमारी क्वालिटी जो है वो ड्रॉप होती है। और अगर फिर भी आपको बहुत सारे एम्पलीफायर्स को इस तरह से कनेक्ट करना है, सोचिए आप एक बड़ा लाइव सेटअप में काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपको 10-15 ऐसे एम्पलीफायर्स को डेजी चेन भी करना है और आपका जो सोर्स है वो दो आउटपुट अगर आपका मिक्सर से डायरेक्टली जा रहा है, अभी आपका जो एम्पलीफायर है उनमें इनबिल्ट DSP वगैरह सब कुछ भी है तो आपको क्रॉसओवर भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस केसेस में आप स्प्लिटर का यूज़ कर सकते हैं, चैनल स्प्लिटर, या तो आप बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एम्पलीफायर, उसका यूज़ करके आप उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट जो आपका मिक्सर है, जो आपका मेन सोर्स है, उसका गेन का स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और एक प्रॉपर गेन में आप उसको सेंड कर सकते हैं। सोचिए आपका एम्पलीफायर अगर बहुत दूर भी रखा हुआ हो तब भी आप एक स्प्लिटर का यूज़ करके उसका सिग्नल का स्ट्रेंथ जो है उसको बरकरार रख सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप एक DBX 234XS क्रॉसओवर यूज़ कर रहे हैं, उसका आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो 30 ओम्स है, जबकि अगर आपके पास एक DBX 234XL है उसका आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो 120 ओम्स है, तो आप DBX 234XL में ज़्यादा डेजी चेन कर सकते हैं। एक ही सिग्नल को आप ज़्यादा दूर तक भेज सकते हैं, लगभग 5-6 एम्पलीफायर को भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन 234XS में मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा आप 4 एम्पलीफायर्स तक ही डेजी चेन करें, इससे आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। अगर आपको फिर भी बहुत सारे एम्पलीफायर्स को कनेक्ट करना है तो आप
एक स्प्लिटर खरीद सकते हैं, आपको बहुत सारे कंपनीज के मिल जाएंगे। आप अगर चाहें तो उनमें से कोई भी चैनल स्प्लिटर को खरीद सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस में काम करना पड़ता है जहाँ पे आपका मिक्सर एक जगह पे रहता है और आपका एम्पलीफायर बहुत दूर रखे जाते हैं, तो उस जगह पे सिग्नल का स्ट्रेंथ आपको अच्छा बरकरार रखने के लिए आप स्प्लिटर का यूज कर सकते हैं। सो एंड में मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप जो भी सोर्स है आपका उसका आउटपुट इम्पीडेंस एक बार चेक कर लीजिए। अगर उसमें आउटपुट इम्पीडेंस बहुत अच्छा है देन आप उसके साथ 4-5 एम्पलीफायर के ऊपर अगर कनेक्ट भी करते हैं तो ज़्यादातर कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका आउटपुट इम्पीडेंस कम है उस सोर्स इक्विपमेंट का, तो आप मैक्स टू मैक्स 3 से लेकर 4 एम्पलीफायर तक एक ही सिग्नल को डिजिटाइज करें। सो दोस्तों, ये था एक छोटा टॉपिक। सो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक शेयर, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।